शिवसेना की मुरादाबाद जिला इकाई ने देश में एक धर्म विशेष की बढ़ती आबादी पर अंकुश लगाने और वक्फ बोर्ड को तत्काल भंग किए जाने की मांग उठाई। शिवसैनिक जिला प्रमुख गुड्डू सैनी के नेतृत्व में बुधवार को कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा हुए और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। इस मौके पर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय अजय मिश्रा को पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि देश में जनसंख्या वृद्धि चरम पर है। जनसंख्या के मामले में भारत विश्व में प्रथम स्थान पाने को आतुर है। खासतौर से देश में एक धर्म विशेष की आबादी विस्फोटक रूप से बढ़ रही है, जो चिंता का विषय है। इसके अलावा ज्ञापन में यह भी कहा गया कि वक्फ बोर्ड को मिले असीमित अधिकारों के कारण वक्फ बोर्ड का बेशकीमती संपत्तियों पर अधिकार हो चुका है। वक्फ बोर्ड को एक धर्म विशेष विरोधी बताते हुए तत्काल भंग किए जाने की मांग के साथ साथ बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर किए जाने की मांग उठाई गई। प्रदर्शन और ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए शिवसेना जिला प्रमुख गुड्डू सैनी ने कहा, प्रदर्शन किया गया आज यहाँ पर जनसंख्या के नियंत्रण के मुद्दों को लेकर ज्ञापन किया गया। माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया प्रधानमंत्री के नाम, और हमने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि देश में जो आबादी बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए एक ज्ञापन दिया है, और बांग्लादेश से जो करोड़ों घुसपैठिए रोहिंग्या घुसपैठिए जो घुसपैठ कर रहे हैं उनको देश से बाहर निकाल लिया जाए और वक्फ बोर्ड को में संशोधन के बजाय उसको बंद किया। इस दौरान महानगर प्रमुख मनोज कुमार के अलावा कपिल ठाकुर, तिलक सैनी और राजू सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे।